वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं टीना यादव आज आप लोगों के साथ में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मेरे आज का जो वीडियो होगा और जो आज के एक्सपीरियंसेस हैं वो है सेलोशिया प्लांट को लेकर। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो प्लांट्स मैं ग्रो करती हूँ, जिनकी मैं टेक केयर करती हूँ, तो सिर्फ उन प्लांट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो है सेलोशिया प्लांट को लेकर, जिसको कि हम कॉक्सकॉम भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो प्लांट है, ये एक तो सबसे इसकी बेस्ट पार्ट है कि ये आउटडोर प्लांट है, और सेकंड ये बहुत सुंदर दिखता है। जब इस पर बहुत सुंदर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं तो आपके गार्डन में जितने भी प्लांट्स रखे हुए उन सब में ये बेहद खूबसूरत प्लांट लगता है। सो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे ये जो प्लांट है, ये मेरे पास ऐसे चार प्लांट हैं, जिसमें से ये दो मैं अभी आपके सामने रखे हुए, इनमें कम से कम ही नहीं तो चार चार पांच पांच ब्रांचेस निकली हुई हैं, और हर ब्रांच पे अच्छे फ्लावर्स आ रखे हैं। ये मैंने बाय किए थे सितंबर मंथ में, आई थिंक, हाँ सितंबर मिड में मैंने ये प्लांट्स बाय करे थे, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर तक ये अपने फुल ब्लूम पे थे। इनका कलर बहुत एक डिफरेंट रेड था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनवरी और फरवरी आई है, वैसे वैसे इन जो ये जो प्लांट्स हैं इनमें सीड बनने लगे हैं, और जब सीड्स तैयार हो रहे तो इनका जो फ्लावर का कलर है वो हल्का हल्का सा फेड होता जा रहा है। तो आज मुझे ये था कि मैं इन के कुछ सीड्स कलेक्ट करने वाली थी। तो जब सीड्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ तो मैंने सोचा चलो क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकूँ। सो अब बात करते हैं सेलोशिया प्लांट जो है वो कितने कलर्स में आता है। बेसिकली ये प्लांट जो है वो 4 to 5 कलर्स में आता है, येलो, पिंक एंड अदर सो मैनी कलर्स ऑल्सो। मेरे पास सिर्फ रेड कलर में है, और इसका येलो भी बहुत सुंदर होता है। बेसिकली इसका राइट टाइम क्या है ग्रो करने का, सेलोशिया प्लांट का राइट टाइम है जैन एंड और फैब के स्टार्टिंग में, क्योंकि अब थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म हो गया है, तो ये बेस्ट टेम्परेचर है, बेस्ट टाइम है। अगर हम इस टाइम में इस प्लांट के सीड्स लगाते हैं तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। और उसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेरे ये जो प्लांट्स हैं, क्योंकि मेरे पास पहली बार मैंने इस प्लांट को अपने गार्डन में शामिल किया है, मैंने देखा कि इसमें से सीड्स निकल रहे हैं, और जब मैं इसकी गुड़ाई कर रही थी तो मैंने ध्यान दिया कि सीड्स के साथ साथ जो सीड निकले हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं उसी प्लांटर के अंदर। तो बेसिकली आप इसको जनवरी फरवरी में आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको जून मंथ में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है बेस्ट होता है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। ये तो हो गया जर्मिनेशन की बात इसकी। हम इसको कोई बहुत अलग से इसकी सॉयल प्रिपरेशन नहीं करनी होती, एक नॉर्मल गार्डन सॉयल के अंदर हम खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, अगर कोई भी खाद आपके पास अवेलेबल है वो खाद आप डालें, और उस खाद में ईजिली आप इसको मिट्टी और खाद को मिक्स करके आप इसके सीड्स जो है लगा सकते हैं। पॉट साइज़ क्या लें, ये मेरा जो है वो 14 इंच का पॉट है, आप चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो, 16, 18, 20 इंच तक का पॉट ले सकते हो, और आप चाहो तो इसको बहुत छोटे में भी ग्रो कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका जो पॉट साइज़ है उसी के हिसाब से इसमें इसकी ग्रोथ बढ़ती है। अगर छोटे में है तो ग्रोथ जो है वो इसकी कम बढ़ेगी, बड़े में है प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन इसको मिल रहे तो इसकी ग्रोथ और फ्लावर साइज जो है वो अच्छी आती है। अब हम बात करते हैं इसकी बीच में और क्या टेक केयर कर सकते हैं। खाद हम थोड़ा बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, जब ये बहुत ब्लूम पे होता है तो इसको थोड़ा सा खाद हम बीच में डाल सकते हैं। सेकेंड, वाटर।
अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जब हम इसकी वाटरिंग करते हैं तो ध्यान रहे कि ओवर वाटर ना हो, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग होगी तो प्लांट की जो रूट्स है वो गल जाएंगी, वो डैमेज हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये वेल ड्रेन सॉयल है, क्योंकि मेरे पास जितने भी गार्डन से पत्ते वगैरह निकलते हैं वो मैं सब इसी में डाल देती हूँ। अगर आपको लगे आपकी मिट्टी का इस तरह से अच्छे से एक बंद रही है, लड्डू की तरह बंद रही है, तो इट मीन्स उसमें प्रॉपर मॉइस्चर है। आप तब तक उसमें दोबारा पानी ना डालें जब तक कि ये अच्छे से थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें, वरना आपका प्लांट मर सकता है। तो इस तरह से इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके सीड्स कलेक्ट करने वाली हूँ, जो कि सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, इसमें बहुत सारे सीड्स आते हैं, काफ़ी तो ऑलरेडी इसमें निकल के गिर चुके हैं। ये देखिए, बहुत बारीक बारीक पतले पतले इसके सीड्स होते हैं। मैं ये जो सीड्स है अपने कुछ मेरे जो फ्रेंड हैं, कोलेग हैं, उनके साथ शेयर करने वाली हूँ, और मैं खुद भी अपने गार्डन में और इसके ये देखिए, जब मैं इसकी सीड्स को जर्मिनेट करूँगी तब भी मैं एक वीडियो अपडेट वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बना दूँगी, ताकि आप उससे देख के समझ सके अच्छे से। और मैं दिखाती हूँ इसके सीड्स कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा फ्लावर जैसा बना होता है, उसके अंदर काफ़ी सीड्स होते हैं और बहुत बिल्कुल छोटे छोटे ब्लैक कलर के इसके सीड्स होते हैं। अब मैंने ये तो बहुत ज़्यादा सीड्स हैं जो अभी मैंने कलेक्ट किए हैं, ये मैं शेयर करूँगी अपनी फैमिली के साथ, और मेरे घर पर मैं कोशिश करूँगी मम्मी के यहाँ लगाने की, सिस्टर को दूँगी, और कुछ सीड्स जो हैं वो मैं इसी प्लांटर के अंदर डाल रही हूँ, ताकि यहाँ भी जो है वो और नए प्लांट जो है वो ग्रो हो जाए। अगर इसके सीड अपने आप ही झड़के गिर के और मिट्टी में चले जाते हैं, तो अपने राइट टाइम पे, जब इस प्लांट का राइट वो होता है, टेम्परेचर जब होता है, तभी अपने आप भी ग्रो हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें इस वीडियो को शेयर करें।